भारत सरकार द्वारा कानून बना दिए जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीन तलाक का ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें मात्र बच्चे के रो देने से नाराज पति ने अपनी पत्नी को आधी रात में तीन तलाक दे डाला, साथ ही मारपीट भी की, वहीं बच्चे को उठाकर भी फेंक दिया। मामला सेंधवा की उज्मा का है जिसकी अकबर नामक युवक से 2017 में इंदौर शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना को झेलने वाली उज्मा को एक लड़की का जन्म होता है जिसके बाद उसके साथ जातियां बढ़ जाती है। पति सास ससुर द्वारा मारपीट तथा लगातार धमकाए जाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि 4 अगस्त की रात में अचानक बच्ची जब रोते हुए नींद से जाग गई तो उज्मा के पति ने मारपीट की, वहीं बच्ची को पलंग से नीचे फेंक दिया और 3 बार तलाक तलाक कहकर महिला को तलाक दे दिया। अपने साथ न्याय की गुहार लगाने महिला आज शहर थाना सेंधवा पहुंची, जहां मामले में धारा 498 ए घरेलू हिंसा और मुस्लिम महिला विवाह निरपेक्ष अधिनियम की धारा 4 के तहत FIR दर्ज की गई। आगे की कार्रवाई करते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई है। भारतीय न्यूज के लिए मुनाफ अली की रिपोर्ट। सास ससुर जेठ पति किस बात को लेकर? लड़की दहेज, लड़की होने पे और दहेज की मांग पे। 4 अगस्त को क्या घटना हुई थी? मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, वो रो रही थी और वो रोने लग गई तो ये कहने लग गए कि इसको चुप करवाओ। मैंने वो चुप नहीं हुई तो ये कहने लग गए कि यहाँ से निकल जा, और है ना मुझे मारपीट करके सबने मारपीट करा और 3 तलाक दे दिया। आपके पति ने? हाँ, हमारे पति, और 2 बजे रात को बाहर घर से बाहर कर दिया। आपके पति का नाम क्या है? अकबर। आपकी शादी कब हुई थी? 2 साल पहले। इंदौर हुई थी? हाँ, इंदौर। एक मुस्लिम महिला जिसकी ससुराल साउथ थोड़ा इंदौर में थी, और वहाँ पर पति ने उसको मारपीट करके भगा दिया और 3 तलाक भी बोला है। महिला की लिखित रिपोर्ट पर धारा 498 और मुस्लिम महिला विवाह निरपेक्ष अधिनियम 1919 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, मामले में मारपीट की जाती थी घरेलू हिंसा का, 498 ये। सर, उस मामले में कोई धमकाने का मामला सामने आ रहा है? उसमें भी धारा 407 का अलग से अलग उसी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।